हेलो गाइस, क्या आप HD थंबनेल बनाना चाहते हो, वो भी अपने मोबाइल से? तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पिक्सल ऐप ऐप की मदद से अपने थंबनेल को बिल्कुल HD कैसे बना सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित, आप सभी देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डबल जीनियस इन टेक। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाल वाले बटन को दबा के चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें इसी चैनल पर। तो आइए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सिंपली आपको अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है, उस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके भी उसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैंसिल और थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको, और इमेज साइज पे और कस्टम पे, फिर यूट्यूब थंबनेल पे आपको क्लिक कर देना है और जो न्यू टेक्स्ट है इसे आपको डिलीट मार देना है। और जाऊंगा मैं इस वाले ऑप्शन पे और कलर पे क्लिक करूंगा और कलर में जाऊंगा और सबसे लास्ट में जाके मैं अलग कलर चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे और जाता हूँ इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जो है जाके आप कोई चीज़ ले सकते हो, जैसे कि मैं अपनी फ़ोटो ले सकता हूँ। पिक्सआर्ट से आपको कटआउट कर लेनी है अपनी फ़ोटो को, जो अगर आप अपनी फ़ोटो लगाते हो अपने थंबनेल पे या फिर किसी फेमस यूट्यूबर या फिर किसी की भी लगाते हो तो यहाँ से वो लगा सकते हो। इस पर क्लिक करना है और जाऊँगा मैं यहाँ पे स्ट्रोक में और इसे इनेबल कर दूँगा और इसे वन पे कर दूँगा। तो देख सकते हो ये आउटलाइन सी वाइट वाइट सी आ गई है। और इस पर एक बार फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है एक बार, और जो अगर आपका ये सब कम हो जैसे कि ब्राइटनेस सैचुरेशन तो उसे बढ़ा लेना, जैसे कि मैं बढ़ा लेता हूँ ब्राइटनेस 10 पे और इसे थोड़ा 5 पे कर देता हूँ, तो इसे थोड़ा अच्छा लुक आ जाएगा। और उसके बाद इसे आप स्लाइड करके आगे पीछे जहाँ मर्जी लगाना चाहो लगा सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ए वाले पे और प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट लगा सकते हो कोई सा भी। मैं इसे काट देता हूँ और लिख देता हूँ हाउ टू मेक, सॉरी ब्राइट लिख गया मेक, और ये जो ओके ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। और एक ये पिक्सल ऐप का छोटा सा बग्स है, तो इसे आपको सिंपली न्यू टेक्स्ट फिर से मांगेगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बैक कर देना है और यहाँ पे आना है आपको थोड़ा सा साइड में, और टेक्स्ट का जो साइज़ है इसे आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा लेना। तो जैसे कि मैं बढ़ा लेता हूँ अभी 55 तक, और इसका जो कलर है कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसका जो कलर मैं रख लेता हूँ ब्लैक। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, आप रख सकते हो कोई सा भी कलर, और मैं जाऊँगा ये वाले बी स्टाइल में और इसे बी वाले पे क्लिक करके इसे थोड़ा मोटा कर लूँगा। यहाँ से आप राइटिंग भी चूज़ कर सकते हैं, ए बी जो दिख रहा है यहाँ से आप राइटिंग चूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से राइटिंग चूज़ नहीं करता कभी भी। और यहाँ से आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो ये, पर मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं लगाना है। और स्ट्रोक में जाऊँगा मैं सिंपली, और यहाँ पे मैं वाइट स्ट्रोक लगा दूंगा। देख सकते हो कितना गजब का लुक आ चुका है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा न्यू टेक्स्ट पे फिर से, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ अभी HD, इसको मैं साइज में जाके थोड़ा सा बड़ा ही कर लेता हूँ। हाँ देखो कितना मस्त सा आ चुका है ये। तो फिर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे 70 तक रख देता हूँ, और इसका जो कलर है मैं वो यहाँ पे रख देता हूँ येलो, और फिर से वही जाके बी स्टाइल में इसे थोड़ा टेक्स्ट को मोटा कर लेता हूँ, और स्ट्रोक में जाता हूँ और इसे ब्लैक आउटलाइन दे देता हूँ। इस पर ब्लैक ही शूट करेगी, वाइट इस पर बढ़िया जमेगी नहीं। और उसके बाद मैं प्लस पे जाऊँगा और फिर से नया टेक्स्ट तैयार करूँगा और लिखूँगा यहाँ पे थंबनेल, थंब नेल। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, और इससे मैं रख लूँगा 75 पे, सॉरी 60 पे, और इसे थोड़ा स्लाइड में ले जाऊँगा और HD को रखूँगा बीच में ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लुक आए। और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे B वाले में और फिर से वही चीज़ करूँगा, और यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं रखने वाला हूँ ब्लैक, और इसमें मैं बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड वाले पे जाके इसे मैं बैकग्राउंड दूंगा और रख दूंगा यहाँ पे रेड, और इसे स्ट्रोक दे दूंगा वाइट,
देख सकते हो कितना गजब का लग रहा है ये। इतना कर लिया, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और उसके बाद आपको फिर से टेक्स्ट पे जैसे कि मैं जाता हूँ अभी, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन मोबाइल, और फिर से ओके कर देता हूँ। तो ये तो बग है ही, और मैं एक और बार बैक कर देता हूँ बस। और टेक्स्ट साइज में जाके इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट को रख लेता हूँ 60, बिल्कुल सही। कलर जो है इसका मैं रखने वाला हूँ रेड, और इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं मोटा। और उसके बाद जाता हूँ मैं स्ट्रोक में, इसे आउटलाइन दे देता हूँ वो भी वाइट। तो देख सकते हो कितना गजब का लुक आ चुका है, हमारा थंबनेल पूरी तरीके से तैयार हो गया है, बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगा ही नहीं। देख लो इतना बढ़िया थंबनेल यहाँ पे बन चुका है। और कटआउट करना जो है पिक्सआर्ट से आप कर सकते हैं जाके। थोड़ा सा मैं अभी आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं पिक्सआर्ट में, जो अगर आपको वो करना आता है तो आप सिंपली से एक्सपोर्ट कर दीजिए। अभी मैं आपको एक्सपोर्ट करना भी बताऊँगा, तो थोड़ी हिंट दे देता हूँ उससे पहले। प्लस पर क्लिक करना पिक्सआर्ट को डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद आपको ऑल फोटोज़ में जाना है। तो यहाँ से मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, और जाता हूँ मैं यहाँ पे कटआउट में और पर्सन पे क्लिक कर देता हूँ, और प्रीव्यू में जाके आप इसे देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो अभी तो जो ढंग से लग नहीं रही है, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देना है, ये देख रहे हो ऐसे कर देना है। और इरेज में जाके इसका साइज थोड़ा छोटा करके आप इसे अपने हिसाब से ऐसे करके, ऐसे मैं कट कर रहा हूँ वैसे कर लीजिए, थोड़े थोड़े जहाँ जहाँ पे थोड़ा कम या फिर ज़्यादा रह गया हो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से कर लेना, बाकी सेव कर देना यहाँ से, बस हो जाएगा काम। तो देख सकते हो मैं उल्टा ही सेव कर देता हूँ, भले ही बेकार फोटो बनी हो, आपको थोड़ा ढंग से करना है। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी, मैंने पहले बता दिया है, मैं यहाँ पे कोई भी रिमूव करके नहीं दिखाने वाला हूँ बैकग्राउंड। ये था वीडियो जो थी अली, ये ओनली थंबनेल पर थी, तो वो तो मैंने थोड़ी हिंट दे दी आपको बस। और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और सिंपली अपने सेव पे क्लिक करना है, और फिर से सेव पे और गैलरी और डन, और थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा साफ साफ अक्षरों में एक्सपोर्ट इमेज, इसी पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे PNG सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद कस्टम जो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसे अल्ट्रा कर देना है, और सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये हो जाएगी आपके सिंपली एल्बम में या फिर गैलरी में सेव। और उसके बाद भी आपको कुछ बताना है मेरे को HD बनाने के लिए, कहाँ है पिक्सल लैब, हाँ पिक्सल लैब में जाके जहाँ ये फ़ोटो आपको मिले जो मैंने सेव करी है, एडिट में जाना, और यहाँ पे आपको एडजस्ट में जाना है, और शार्पनेस आपको इसकी फुल कर देनी है, और सैचुरेशन आपको छेड़नी बिल्कुल भी नहीं है, सेव कर देना है सिंपली। और उसके बाद फिर आपको उसी फ़ोटो को एडिट करना है जिसमें आपने शार्पन बढ़ा दी है, फिर एडजस्ट पे जाऊँगा, शार्पन इसे फुल कर दूँगा, और सैचुरेशन आपको थोड़ी सी बढ़ा के रख देनी है, बस दो बार ये चीज़ आपको करनी है बस। आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगा दो फोटो का, यहाँ पे मैं जाऊँगा इसका कितना है साइज़, फाइल 1.35 MB, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो फ़ोटो का साइज़ था वो 0.99 MB था, और यहाँ पे मैंने जैसे ही शार्पन बढ़ाई वो हो गया 1.35 MB का। सैचुरेशन मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, आपको थोड़ी कम बढ़ानी है अपने हिसाब से सेलेक्ट करके। देखो मैं जूम कर रहा हूँ, इसके पिक्सल ज़्यादा फट नहीं रहे, कितने बढ़िया बन चुकी फ़ोटो ये आप खुद देख सकते हो। तो आज से बनाते हैं थंबनेल, तो आपने देख ही लिया होगा कि इतना HD में थंबनेल बना था ये। तो अब आपको थंबनेल ऐसे ही बनाने हैं। तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबा के चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि आपको YouTube से रिलेटेड और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल सके इसी चैनल पर। तो मिलते हैं अब हम इसी के साथ ऐसी ही अगली वीडियो में।